तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं स्केच से 2D कैरेक्टर बनाना और उसे 3D में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम अपना स्केच लेकर आएंगे, फाइल पे जाके प्लेस पे क्लिक करेंगे, स्केच सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लेस करेंगे, फिर क्लिक और ड्रैग करके अपना स्केच प्लेस करेंगे। अब स्केच पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाके लॉक और सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। स्केच लॉक हो चुका है और अब जूम टूल की मदद से जूम करेंगे। अब इलिप्स टूल लेकर फील कलर ऑफ कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट और ऑल्ट बटन दबा के एक सर्किल बनाएंगे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। और अब इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और सेट कर देंगे। इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करेंगे और सेट करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे और हमें हैंडल दिख जाएगा, उसे कंट्रोल एवं चेंज और सेट कर सकते हैं और इसे स्केच की लाइन पे अच्छे से सेट करेंगे। पेन टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है और पॉइंट लगाना है और ऐसे ही पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे लाके अपनी शेप को क्लोज कर देंगे। एंकर पॉइंट टूल लेंगे और जब हम लाइन पे लेकर आएंगे तो यह आइकॉन चेंज हो जाएगा, फिर क्लिक और ड्रैग करके आसान तरीके से कर्व लाइन बना देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और सेलेक्ट करेंगे, फिर हैंडल पे क्लिक और ड्रैग करके हैंडल को चेंज करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और सेलेक्ट करेंगे, फिर एंकर पॉइंट पे क्लिक और ड्रैग करेंगे जिससे कॉर्नर को स्मूथ करेंगे। तो अब बनी की नाक बनाएंगे, इलिप्स टूल लेंगे और सर्कल बनाएंगे और सेट करेंगे। और अब हम ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और दो पॉइंट बनाएंगे, फिर शेप बिल्डर टूल लेंगे और सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे करेंगे और फिर दोनों हैंडल को सेट करेंगे। पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक करेंगे और पाथ बनाएंगे, फिर क्लिक ड्रैग करके कर्व्ड लाइन बनाएंगे, ऑल्ट बटन दबा के हैंडल ब्रेक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे, क्लिक ड्रैग करके कर्व्ड लाइन बनाएंगे और ऐसे ही पूरा शेप बनाएंगे। फिर से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक करेंगे और पाथ बनाएंगे, फिर क्लिक ड्रैग करके कर्व्ड लाइन बनाएंगे, ऑल्ट बटन दबा के हैंडल ब्रेक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे, क्लिक ड्रैग करके कर्व्ड लाइन बनाएंगे। अब रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे और तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ऐसे करेंगे, फिर शेप बिल्डर टूल लेंगे और सेलेक्ट करेंगे और दोनों पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करेंगे और ये अच्छे से बन चुका है। और अब बनी की आंख बनाएंगे और अब लेंगे इलिप्स टूल और क्लिक ड्रैग करके एक गोला बनाएंगे और सेट करेंगे। और अब इसकी कॉपी लेंगे और इसको शिफ्ट और ऑल्ट बटन दबा के छोटा करेंगे और शिफ्ट बटन दबा के नीचे करेंगे और सेट करेंगे। और अब फिर से कॉपी लेंगे और इसको शिफ्ट और ऑल्ट बटन दबा के छोटा करेंगे और शिफ्ट बटन दबा के नीचे करेंगे और सेट करेंगे। और अब इलिप्स टूल लेंगे और छोटा सा गोला बनाएंगे और सेट करेंगे। और अब पेन टूल लेंगे, क्लिक ड्रैग करके कर्व्ड लाइन बनाएंगे और स्टॉक लाइन की मोटाई 5 करेंगे और वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल पे क्लिक करके विड्थ प्रोफाइल 1 कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक कर देंगे जिससे बनी की आईब्रो ऐसे हो जाएगी। और अब राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फिर रिफ्लेक्ट में जाएंगे, वर्टिकल मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, फिर कॉपी पे क्लिक कर देंगे, राइट एरो बटन दबा के दूसरी तरफ ले जाएंगे।
और ये बन गया। अब बनी के कान बनाएंगे, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और फील कलर ऑफ करेंगे, स्टॉप ब्लैक लेंगे, फिर क्लिक करेंगे और पाथ बनाएंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और कर्व्ड लाइन बनाएंगे और ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। सेलेक्ट करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फिर रिफ्लेक्ट में जाएंगे, वर्टिकल ऑलरेडी सेलेक्ट है, कॉपी पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट एरो बटन से दूसरी साइड ले जाएंगे। पेन टूल से ये पार्ट बना देंगे। और अब स्केच को डिलीट कर देंगे, उससे पहले ऑब्जेक्ट में जाकर अनलॉक ऑल करेंगे, फिर डिलीट कर देंगे। और अब बनी को सेलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल लेंगे और ब्लैक कलर लेकर पूरे बनी के हर एक एक पार्ट को जूम करके कलर कर देंगे। और अब एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करेंगे तो एक छोटा सा लाइन पकड़ के बाहर ले आएंगे और ये बाहर आ चुका है। अब मैजिक वैंड टूल से जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, सारे एक्स्ट्रा लाइन अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर डिलीट कर देंगे। तो ये अच्छे से हो गया और अब हम इसमें कलर करेंगे। मैंने कुछ कलर ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं, तो अब कोई भी पार्ट सेलेक्ट करेंगे और आई ड्रॉप पर टूल लेकर मैंने जो कलर सेलेक्ट करे हैं वो बनी में कर दूंगा। कलर करने के बाद बनी प्यारा सा दिखने लगा और अब पूरे बनी को सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन स्टॉप को ऑफ कर देंगे और अब ये कलर्स को डिलीट कर देंगे। और अब पूरे बनी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे, फिर विंडो में जाएंगे, 3D एंड मटेरियल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में जाके इन्फ्लेट पे क्लिक कर देंगे और कुछ ऐसा आपको दिखेगा। उसके बाद आपको मटेरियल्स ऑप्शन पे आना है, उसके बाद रफनेस 0.46 कर देना है, उसके बाद मेटालिक 0.16 कर देना है और फिर आएंगे लाइटिंग ऑप्शन पे, इंटेंसिटी 90% करेंगे, रोटेशन 120%, हाइट 40%, सॉफ्टनेस 90%, एम्बिएंट लाइट 60%, फिर शैडो ऑन कर देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट 0% रहने देंगे, शैडो बॉन्ड्स 150%, 3D रेंडर के आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। तो हमने स्केच से 2D कैरेक्टर बनाना और उसे 3D में कन्वर्ट करना सीखा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।